आज हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में सिंपल लोगो बनाएंगे। वो कैसे बनाएंगे ये देखो, इस तरह के लोगो हम बनाएंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में। ठीक है, सबसे पहले हम जाएंगे इंसर्ट में, इंसर्ट में शेप पे जाएंगे। शेप में ये यहाँ पर ये ड्रा करेंगे ऐसे, इस पॉइंट को ऐसे यहाँ से शिफ्ट के साथ इसे शिफ्ट प्रेस करके यहाँ से ऐसे उसको ड्रा करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हम जाएंगे इंसर्ट में, इंसर्ट में यहाँ पर जाएंगे वर्ल्ड आर्ट। वर्ल्ड आर्ट में कोई भी स्टाइल आप, मैं कहता हूँ ये वाला हो। यहाँ पर हम लिखेंगे जिसके बाद हम जाएंगे यहाँ पर टेक्स्ट रैपिंग इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, इस पर क्लिक कर लेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पर रखेंगे, यहाँ पर मुख्तलिफ ये शेडो, इसमें भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं, 3D यहाँ पर है। ठीक है, हम सबसे पहले जाएंगे यहाँ पर ये स्टाइल, ये स्टाइल हमने ये स्टाइल लिया। ठीक है, फिर इसके बाद हम जाएंगे इसके साइज़ यहाँ से हम कम कर सकते हैं, साइज़ यहाँ से भी कम हो सकता है। ठीक है, यहाँ से भी हो सकता है लेकिन हम माउस से कर लेंगे। ठीक है, इसको यहाँ से हम ड्रा कर लेंगे, यहाँ पर रखेंगे, फिर यहाँ से हम साइज ऐसे ठीक है, ये हो गया हमारा। फिर उसके बाद आउटलाइन को हम बॉर्डर देते हैं, फिर फॉर्मेट पे जाते हैं, यहाँ पर आउटलाइन, यहाँ पर जो भी आपको, ठीक है, आउटलाइन को कलर हम देते हैं, ऐसा नहीं ये कलर दिया या कोई और कलर, कोई भी कलर आपको अच्छा लगे। ठीक है, फिर उसके बाद इंसर्ट क्लिप आर्ट्स, इस पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर ये पिक्चर है क्लिप आर्ट्स में, और भी यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। हम इस पिक्चर को लेते हैं, यहाँ से इसको क्लोज करते हैं, यहाँ पर सबसे टेक्स रैपिंग इन फ्रंट ऑफ टेक्स करेंगे, यहाँ पर इसकी साइज कम कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर चेंज भी कर देंगे ऐसे। ठीक है, यहाँ पर नो आउटलाइन, इसको ऐसे इंसर्ट यहाँ पे जाएंगे, शेप पे, शेप में नीचे यहाँ पर कोई भी ये वाला ले लें। ठीक है, राइट क्लिक, एड टेक्स्ट, यहाँ पर लिखते हैं एजुकेशन, UCAT एजुकेशन, सेलेक्ट, कंट्रोल ई सेंटर, यहाँ पर बोल्ड कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर साइज का बड़ा करेंगे, होम पे जाएंगे, उसके साइज यहाँ से हम, ठीक है, यहाँ से हम स्टाइल भी देंगे कोई, यहाँ से हम कलर दे सकते हैं कोई भी कलर हो। इस बार को हम यहाँ से फॉर्मेट पे जाएंगे, यहाँ से हम कलर भी दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आउटलाइन भी दे सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास लोगो